आप लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? हाँ? कौन कौन छोटे छोटे बच्चों को कहानी? कोई नहीं सुनाता? कौन कौन छोटे बच्चों को मोबाइल देता है? जरा हाथ ऊपर करें। अरे उठा लो सब, कोई बात। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हा? अच्छा आप बताओ महाराज, मोबाइल देना आसान है कि लोरी सुनाना आसान है? अरे मोबाइल दे के पिंड छुड़ाओ है? कौन लोरी सुनाने जाए? अच्छा लोरी सुनाएंगे भी तो कहेंगे बोलो बेटा जॉन ए जॉन नहीं यस पापा, 18 सुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, यही सुनाएंगे कहानी। ये थोड़ी सुनाएंगे कि बेटा समुद्र मंथन हुआ था एक बार, तो बच्चा तुरंत पूछेगा पिताजी समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला था? हाँ? जब आप दे दोगे तो बच्चा क्या करेगा? तुरंत डाउनलोड करेगा पबजी, करेगा कि नहीं? क्षमा करना, तुरंत डाउनलोड करेगा फ्री फायर और शुरू हो जाएगा बंदूक चलाना। जब बेटा छोटे से ही पबजी फ्री फायर खेलेगा तो भगवान को जानेगा? जोर से बोलो। आज जब राम को नहीं जानेगा तो ये जानेगा कि राम जी एक बार कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, इतना बड़ा त्याग किए थे, ये भी नहीं जानेगा। और जब नहीं जानेगा ये भी तो क्या करेगा? एक दिन आप लोगों को मारेगा जरूर, क्षमा करना, जरूर मारेगा प्यारे। आप सब बच्चों से मार खाते हैं कि नहीं? अधिकतर लोग खाते हैं, क्षमा करना है? मार मान लो ना खाएं, गाली तो सुनते होंगे, क्षमा करिएगा। आप लोग गाली सुनने का कारण खुद है और कोई नहीं। क्यों? आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे बताओ इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा हाथ में देके कहते हैं बेटा पढ़ो? कौन कौन है ऐसा? कोई नहीं है ना, एक दो लोग हैं भैया, कोई नहीं है ऐसा। कौन कौन अपने बच्चों को मोबाइल देता है? एक बार ऊपर कर लीजिए, नैना थोड़ा देख लें उन लोगों को, सब लोग है ना। विचार करिए, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धर्म को जगाएंगे, धर्म को क्या खाक जगाओगे जब तुम नहीं जगे तो? बोलो, अपने नहीं जग पा रहे धर्म को जगाएंगे? सावधान होने की जरूरत है। आप लोग अपने छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर दें और कहें बेटा पढ़ो, जब पढ़ेगा तो उसमें लिखा है हनुमान जी के बारे में, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। रामदूत, तो बच्चा तुरंत सोचेगा अरे इसमें राम का नाम आया है, तो तुरंत रामचरित मानस पढ़ने लगेगा। और जब रामचरित मानस पढ़ेगा तो ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बच्चा कभी भी आपका अन्यायी दुराचारी पाखंडी धर्म से विमुख नहीं हो सकता है प्यारे।